अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आपके साथ एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुका हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल पाक जॉब्स क्लब को सब्सक्राइब कर लें और नीचे जो बेल का निशान बना हुआ है उसको भी दबा दें। तो चलते हैं जी जॉब्स की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो ये वो जॉब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, ठीक है, ये और ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट फॉर्म, लेकिन मैं आपको थोड़ी मज़ीद क्लियर करके बताता हूँ कि इस जो भी ये डिपार्टमेंट है तो इसमें जो नेम ऑफ पोस्ट्स हैं, ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो सीट्स हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू अनाउंस की गई हैं। इनमें पोस्ट के नाम है सीनियर रिसर्च ऑफिसर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, अकाउंटेंट ऑफिस, असिस्टेंट ड्राइवर, माली, नैब कासिद, चौकीदार एंड सैनिटरी वर्कर। ये तमाम पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से अनाउंस की गई हैं और इंटरेस्टेड कैंडिडेट से रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स और अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें ताकि इन जॉइन वैकेंसीज को फिल किया जा सके। मज़ीद मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ तो जो न्यूज़पेपर डेली मशरक़ है, ठीक है, जिसमें ये जॉब्स अनाउंसमेंट हुई है, उसके बाद 26 अक्टूबर 2021 को इस जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट की गई है। लास्ट डेट टू अप्लाई 8 नवंबर लास्ट डेट है, ठीक है, आपने 8 नवंबर वाले दिन तक अप्लाई कर सकते हैं आप, उसके बाद आपको अप्लाई करने की इजाज़त नहीं है। अगर डिपार्टमेंट नेम की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का नेम है, नंबर ऑफ पोस्ट मल्टीपल वैकेंसीज आपको यहाँ पे मिल रही हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल पाकिस्तान लिंक है, पाकिस्तान की किसी भी डिस्ट्रिक्ट किसी भी प्रोविंस से ताल्लुक रखते हैं तो आप इन जॉब पर अप्लाई करने के अहल हैं। एजुकेशन की बात करें तो PhD, MS, MPhil, बैचलर, इंटरमीडिएट, मैट्रिक एंड लिटरेट। तो अगर आप प्राइमरी पढ़े हुए भी हैं तब भी आप इन वैकेंसीज पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज की जो तादाद है वो बहुत सारी है और मुख्तलिफ वैकेंसीज हैं, तो उनको फिल आउट करने के लिए भी मुख्तलिफ एजुकेशन लेवल के लोगों को हायर किया जाएगा। उसके बाद ऑफिशियल जो फॉर्म है इस पर आते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जो काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ये डिपार्टमेंट काम करता है। उसके बाद ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी है ये एक्चुअली मातहत होता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजारत के नीचे काम करता है। उसके बाद यहाँ पर ऑफिशियल फॉर्म में आप दे सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट, ठीक है, ये वाले नेम ऑफ पोस्ट हैं, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ये भी इस खाने में बताया गया है। तो अगर आप इस फॉर्म को हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे इस फॉर्म को हासिल कर सकते हैं। सीनियर रिसर्च ऑफिसर के लिए MS और MSc 5 साल का एक्सपीरियंस जरूरत है, एटलीस्ट 3 साल जो है ना पब्लिकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिसर्च का होना चाहिए, उसके बाद मैक्सिमम एज है आपकी 40 साल। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए मैक्सिमम एज है 30 साल। इस तरह मजीद दे सकते हैं ड्राइवर की सीट, माली की सीट, नैब कासिद की, चौकीदार की, सैनिटरी वर्कर की, और इस खाने में इसकी तमाम इंफॉर्मेशन, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन किस लेवल की होनी चाहिए, उसके बाद एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, तो वो इस खाने में बता दिया गया है। उसके बाद नीचे अगर आप आएँ तो आपको टर्म एंड कंडीशन बताई गई हैं।